फराज ने मुझसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए। मैं भी तो अपनी हदूद से बाहर चली गई थी। बहुत दिल करता है कि मैं उनसे बात करूं फोन करके, लेकिन मेरे लिए उनके दिल में कोई जगह ही नहीं, वरना कभी इस तरह भूल कर नहीं जाते मुझे। मैं शायद हूं ही इस काबिल। क्या हुआ बेटा? दादी मैं कितनी बुरी हूँ, फराज ने मुड़ कर मेरी खैरियत तक नहीं पूछी, जैसे कैसे छोड़ सकते हैं। बेटा फराज का बहुत बुरी तरह से दिल टूट रहा था। वो और उसकी माँ दोनों बहुत सीधे सादे लोग, तुम्हारी वजह से ऐसी मुसीबत आई कि वो सब कुछ छोड़कर चले गए कभी वापस ना आने के लिए। अगर तुम चाहो तो फराज से। नहीं दादी, चाहे सारी जिंदगी वापस ना आए, लेकिन मैं कभी उनसे अपना नाम अलग नहीं करूंगी। लेकिन बेटा सारी उम्र इस तरह कैसे? आप इसे मेरी सजा समझे या आजमाइश? अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश को जल्द से जल्द आसान करे। अच्छा हुआ तो वो आ गया नवी। सुनियों का बेटा है ना, मुझे यहाँ बंद कर गया। ये पैसे ले रहा था मुझसे, मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, फिर वो मुझे यहाँ बंद करके चला गया। मैंने कहा खोल दे मुझे, मैं यहाँ बंद अकेली क्या करूंगी, औरतें आएंगी घर में। सुना ही नहीं उसने। शमीम बाजी भी आई तो डरा के मुझे डरा रही, कह रही थी तुझे मार दूंगी। मैंने कहा मेरा नवीद आएगा मुझे बचाएगा, बचाएगा ना नवीद, तू बोलता क्यों नहीं? नवीद नबीर, नबीर, ये ले सारे पैसे तू ले ले। वो नबीर, 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 इधर जा, नबीर, नबीर, आ जा मेरे पास, आ जा नबीर, मेरे पास आ जा, निकलो मेरा बेटा, आ जा, नबीर। राजा राजा राजा।